आप सभी का स्वागत है इस विशेष इंटरव्यू में। आपको बताएं कि इस वक्त सेंट फ्रांसिस जेवियर्स कॉन्वेंट स्कूल बगला में हूं और मेरे साथ आप देख रहे हैं ऋषभ पुरी हैं। इनके बारे में हम आपको आज बताएंगे और आपको बता दूं कि इन्होंने ऐसा कारनामा करके दिखाया कि आज स्कूल में इनका काफ़ी भव्य स्वागत हुआ और हीरो वाली इंटरव्यू, हीरो वाला स्वागत आज ऋषभ का हुआ है स्कूल में और काफ़ी अच्छा यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया था इनके स्वागत के लिए। आपको बता दें ये वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट में हिमाचल में सेकेंड रैंक लिया है नीट के एग्ज़ाम में और जेई मेंस के एग्ज़ाम में भी 99.6% मार्क जो है इन्होंने स्कोर किए हुए हैं। तो आज इनसे हम बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि भाई कैसे आपने ये नंबर लिए हैं, कैसे क्या स्ट्रेटजीज रहती हैं और भी बहुत सारे क्वेश्चन हम इनसे पूछेंगे। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और ढेरों मुबारकें हमारी पूरी टीम की तरफ से। थैंक यू सो मच मैम। तो चलिए ऋषभ, ये बताइए कि आपकी क्या स्ट्रेटजी रहती थी, किस तरह से आप तैयारी करते थे। एक तो देखिए आजकल एक कॉन्सेप्ट बड़ा चल रहा है कि जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो आपको क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे ध्यान देना है, यानी कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। आपको बोला जाता है कि अब वो टाइम गया कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाई में रहना है, सारा सारा दिन पढ़ाई करनी है। अब वो नहीं है, लेकिन थोड़ा पढ़िए लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। तो आप क्या बात मानते हैं? हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि हमें कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है और क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पे से ज़्यादा हमें क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करना है। बेसिकली हमें ऐसा नहीं है कि 5-6 किताबें खोल के बैठ जाना है और सबको थोड़ा थोड़ा पढ़ के सब कंप्लीट करनी है। सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप पहले एक किताब पकड़िए और उसे पूरा पढ़िए, क्योंकि उसमें इतना नॉलेज होता है कि एग्ज़ाम्स क्लियर करने के लिए। जैसे अब नीट मैंने दिया, इसमें NCERT बेस्ड था पूरा पेपर, तो बच्चे क्या करते हैं NCERT के अलावा बाकी बहुत सारी डिफरेंट पब्लिशर्स की किताबें पढ़ते हैं, उससे फिर उनके मार्क्स उतने नहीं इंप्रूव होते, फिर वो थोड़े परेशान हो जाते हैं। पर वो वही ये सब गलत है, क्योंकि मेन NCERT में उन्हें फोकस करना चाहिए एक, और बाकी जो फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए, उसके लिए भी जो न्यूमेरिकल्स के लिए कुछ स्टडी पैकेजेस होते हैं वो सॉल्व कीजिए। ऐसे एक्स्ट्रा किताबें लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर मैं अपनी स्ट्रेटजी की बात करूँ तो जैसे कोई भी बच्चा पूरा दिन तो नहीं पढ़ सकता, या फिर पढ़ेगा तो उससे एनजाइटी क्रिएट होती है, उससे कोई रिजल्ट्स इंप्रूव नहीं हो पाते। तो जैसे मैं अपना बताऊँ तो मैं क्लासेस के अलावा 5-6 घंटे सेल्फ स्टडी करता था। सेल्फ स्टडी वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें जैसे हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देने की कोशिश करता था और जिनमें मुझे डिफ़िकल्ट टॉपिक्स से उन्हें ज़्यादा टाइम देता हूँ। और एक घंटा जैसे पढ़ लिया, उसके बाद 10-15 मिनट की ब्रेक ली, फिर एक घंटा पढ़ा ऐसे। और ये अपना अपना होता है, अपना अपना शेड्यूल बच्चों का। जैसे मैं रात को ज़्यादा नहीं पढ़ पाता तो 12 बजे तक मैक्सिमम, और फिर सुबह 5-6 बजे उठ के बाकी जो बचता था वो कर लेता था। ओके, तो अब बाकी देखिए आपका रैंक बहुत अच्छा है, आप सेकंड रैंक आपने स्कोर किया है हिमाचल में, तो अपने रैंक के हिसाब से आप कौन सा कॉलेज अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मैम एक्चुअली मार्क्स तो 700 मार्क्स पे ऐसे यूजुअली हमें 300-400 रैंक के बीच में हम रैंक एक्सपेक्ट करते हैं। तो मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से तो मैं पहले एम्स जोधपुर या एम्स भोपाल के बारे में हम सोच रहे थे, पर अब जो मेरा रैंक आया है 1966, उसके अकॉर्डिंग हिमाचल में IGMC शिमला या फिर एम्स बिलासपुर, अभी काउंसलिंग का टाइम देखते हैं, पर ये कॉलेजेस हम प्रेफर करेंगे। देखिए अभी आपने बच्चों को संबोधित किया बाहर, बच्चों को मोटिवेट किया, आपने स्ट्रेटेजी जो अभी यहाँ पे आपने डिस्कस की आपने उनको भी बताया। आपने अपने संबोधन में एक बात कही ऋषभ कि बच्चों को फ़ोन से दूर रहना चाहिए, लेकिन वहीं पे एक बात ये भी है कि काफ़ी जो कॉन्सेप्ट्स हैं या बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो बच्चों को यूट्यूब या ऑनलाइन उनको नॉलेज मिलता है, कई चीज़ें आपने भी सीखी होंगी, तो किस तरह से आपने उनको दूर रहने के लिए बोला है फ़ोन से? मेरा पॉइंट ये था कि वो बच्चे जैसे फ़ोन में जब बच्चे उसे यूज़ करते हैं तो वो सोशल मीडिया की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन होते हैं, वो चीज़ के लिए मैं पॉइंट कर रहा था कि सोशल मीडिया पे वो ना भी ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि उसी में फिर बच्चे फंस जाते हैं और उनकी जो प्रायोरिटीज़ है वो डिसाइड नहीं कर पाते। तो यूट्यूब वो यूज़ करें, उस पर वीडियोज़ देखें, अपनी स्टडी से रिलेटेड मटीरियल वो चीज़ें देखें, लिमिटेड रहें अभी, बाकी रिजल्ट्स के बाद तो फिर बाकी चीज़ें करें, अभी तो नहीं है सब। इनसे दूर रहने के लिए मैं वो बता रहा हूँ। ये बहुत अच्छी बात कही है कि ऋषभ ने कि सोशल मीडिया से दूर रहना है। सोशल मीडिया में जैसे इंस्टाग्राम हैंडल होते हैं, फेसबुक होता है, या और भी अकाउंट्स होते हैं, बहुत सारी आजकल ऐसी ऐप्स चली हुई हैं जो बेफिजूल की होती हैं, जिसमें मुझे भी पर्सनली लगता है, आप लोगों को भी लगता होगा कि उसमें जाके सिर्फ टाइम वेस्ट होता है। और स्कूल का कितना रोल रहता है आपके इन टेस्ट की तैयारियों में, या जो गोल आप अपने फ्यूचर के लिए सेट करके चलते हैं? स्कूल ही बेसिकली हमें वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसमें हम तैयारी कर पाएँ। टीचर्स हमें मोटिवेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। जब हम डीमोटिवेट होते हैं, टीचर्स के पास हम अपनी प्रॉब्लम्स लेके जा सकते हैं कि ये दिक्कत मुझे आ रही है या मार्क्स मेरे कम आ रहे हैं, मैं क्या करूं, तो टीचर हमें गाइड करते हैं। तो बेसिकली ये मेन सपोर्ट हमें टीचर्स और पेरेंट्स भी ऑफ कोर्स दोनों साइड से हमें सपोर्ट मिलता है। टीचर्स हमें
एक्स्ट्रा मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं, अगर हमें क्वेश्चंस चाहिए तो एन नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स में प्रोवाइड करते हैं, तो टेस्ट वगैरह वो सब टीचर्स का रोल इसमें आता है। अच्छा, जब आप तैयारियां कर रहे थे अपने टेस्ट की, और तो उस वक्त आपने ऐसा कुछ इमेजिन किया था कि आप हिमाचल में सेकंड रैंक स्कोर करेंगे? आपने कितना एक्सपेक्ट किया था कि आप किस रैंक तक जा सकते हैं? जब शुरू में प्रेपरेशन स्टार्ट की थी तब तो मुझे एक्सपेक्टेशंस काफ़ी लो थी अपने आप से कि शायद मैं इतना अच्छा स्कोर ना कर पाऊँ, तो फिर मुझे कहीं मतलब अगर कम मार्क्स आएँ तो यही थी उस टाइम प्रायोरिटी कि IGMC शिमला के लिए हम ट्राई कर पाएँ, चाहे स्टेट कोटा से ही मिले, पर उतना ही एक्सपेक्टेड था। लेकिन फिर प्लस टू में आके जब मेरे मार्क्स इंप्रूव हुए तो मेरी एक्सपेक्टेशंस भी हाई हुई, फिर मैं लास्ट तक मैं एम्स दिल्ली तक के सपने देख रहा था लास्ट में। आपकी तरह बहुत सारे बच्चे हैं जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, JEE Mains की तैयारी कर रहे हैं, तो जैसे आपने तो फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर दिया है, लेकिन बहुत बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाते हैं और डीमोटिवेट भी हो जाते हैं कई बार, तो उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? उनको मैं ये मैसेज दूंगा कि डीमोटिवेट होने का ऐसी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, हो सकता है वो पहले सीरियस ना रहे हों इसलिए वो अभी फ्रेशर में उनका नहीं मतलब रिजल्ट अच्छा आया, तो अभी उन्हें सीरियस होना, उन्हें मतलब सीरियस उससे उन्हें पॉजिटिव लेना चाहिए कि अब उन्हें एक साल और मिल रहा है तैयारी के लिए, तो उसमें वो अपने आप को इम्प्रूव करें, अपने रिजल्ट्स इम्प्रूव करें, और एक साल बहुत है प्रिपरेशन करने के लिए, बैकलॉग पूरा करके वो अच्छे से अपना नया रिजल्ट इम्प्रूव कर सकते हैं अगर वो सीरियस रहे। और एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछना चाहती हूँ, जैसे देखिए आपने बायो पढ़ा है तो आपने नीट की तैयारी की, आपने आपको डॉक्टर बनना है, और बिना मैथ्स पढ़े आपने JEE मेंस क्लियर किया, ये कैसे, ये कमाल कैसे किया आपने? वो एक्चुअली JEE मेंस मैंने एक एज अ प्रैक्टिस के लिए मैंने वो टेस्ट दिया था ताकि एक मुझे एग्ज़ाम टेम्परामेंट समझ आए कि एग्ज़ाम में माहौल कैसा रहता है, तो JEE मेंस में मेरे फिजिक्स में एक क्वेश्चन गलत हुआ था और केमिस्ट्री में दो क्वेश्चंस गलत हुए थे, बाकी मैथ्स में मैंने एक दो क्वेश्चन ही अटैम्प्ट किए थे तो एक क्वेश्चन सही हो गया था, मतलब वो तो मैंने ऐसे प्रैक्टिस के लिए दिया था, ऐसे कुछ खास उसमें नहीं। ओके, तो आपसे लास्ट क्वेश्चन है ऋषभ कि ऐसा तो नहीं कुछ आपने कुछ घोल के किताब पी हो, ऐसा तो नहीं कुछ किया था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने बस NCERT को बार बार रिवाइज़ किया 12-13 टाइम्स बायो की, मुझे भी ऐसा लगता था कि काफ़ी बोरिंग है, कैसे होगा मतलब इतनी बार पढ़ने का मन नहीं करता ये सब, तो बस वो मतलब ऐसे सोच के कि बस अब एक ही बार पढ़ना है, मतलब एक बार नीट हो जाए उसके बाद ये सब नहीं फिर से सेम चीज़ पढ़नी पड़ेगी, तो उस टेम्परामेंट से मैंने पढ़ाई की है। मतलब एक बारी में क्लियर करना है, फिर बार बार फिर पढ़ने का सप्पा नहीं होता बारी में सेकंड रैंक लो और निकल जाओ। आपको बेस्ट विशेस और हमारी पूरी टीम की तरफ से, आगे आप डॉक्टर बन के आएंगे तो आपको आपको और आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं, और हम चाहते हैं कि आप एक अच्छे डॉक्टर बन के आएँ, क्योंकि हमारे इंडिया में जो मेडिकल सर्विसेज़ हैं वो बहुत ज़्यादा अहम रोल निभाती हैं, तो आप सक्सेस हुए और अच्छे डॉक्टर बन के आए, थैंक यू सो मच हमें समय देने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।